नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी न्यूज चैनल में। कृषि तथा सरकारी योजनाएं और दैनिक भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं अपनी यह स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 10 जून कल के सेशन में कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट आते हुए देखा, जहां हमने मल्टीपल ऑफ टाइम एक अच्छा रेजिस्टेंट बनते हुए देखा कॉटन सीड ऑयल के, इसमें वो था करीबन 2240 का। कल के सेशन में हमने देखा कि मल्टीपल ऑफ टाइम मार्केट में तेजी आने की कोशिश जरूर की, बट हायर साइड में हमने 2240 का लेवल तोड़ता हुआ नहीं देखा, ना ही नीचे में 2180 का लेवल तोड़ पाया। ओवरऑल ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल जिस ढंग से बाकी एग्री पैक में हमने गिरावट आती हुई देखी, इसका कहीं ना कहीं कुछ खामियाजा कॉटन सीड ऑयल के को भी मिल सकता है, तो थोड़े लॉन्ग पोजीशन में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अनलेस एंड अंटिल मार्केट 2180 का लेवल नहीं तोड़ता है, मार्केट का ध्यान तेजी का जरूर है, बट साथ में आपको ध्यान रखना है एग्रीडेस इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं एक अटकलें लगाई जाती है कि पूरी ही एग्रीपैक का सेंटीमेंट कैसा है। तो कल के सेशन में हमने देखा कि एग्रीडेस्क के अंदर 0.25% की गिरावट आई, जिसके चलते पूरे ही कॉम्प्लेक्स में हमने गिरावट देखी। कॉटन में भी 0.25% की गिरावट के साथ 16,540 के करीब मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। कपास में भी हमने 0.5% के करीब की गिरावट देखी, जो 1044 पे बंद होता हुआ दिखा। कॉटन सीड ऑयल के 2190 से लेकर 2240 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। अगर मैं डेली चार्ट की अगर बात करूँ तो मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ जरूर दिखा रहा है, बट आज के ट्रेड सेटअप की बात करूँ तो कहीं ना कहीं हमें लगता है जब तक 2240 के ऊपर प्राइजेस होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है प्राइजेस में एक गिरावट मिल सकती है, तो सतर्क रहिए। अगर 2180 का लेवल आज के सेशन में प्राइजेस ने मूव कर दिया, मतलब गिरावट दे दी, तो उसके बाद एक भारी गिरावट देखने मिल सकती है, जो 2100 से लेकर करीबन 2080 तक का लेवल मिल सकता है। पिछले दो दिनों में हमने चॉपीनेस बड़ा देखा है, मतलब मार्केट एक रेंज में है। आज के सेशन में ये चॉपीनेस निकलता हुआ दिखाई देगा, एक बड़ी वॉलेटिलिटी करीबन 11-12 बजे के बाद मार्केट में कॉटन सीड ऑयल केक में आ सकती है, तो ध्यान रखना 2240 का लेवल ब्रिज करेगा तो ही बड़ी तेजी करेगा, अदरवाइज 2180 का लेवल तोड़कर 2100 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। ओवरऑल लॉन्ग टर्म अभी भी कॉटन सीड ऑयल केक के लिए तेजी का ही है, बट 2240 का लेवल आपको ध्यान रखना है। 2240 के ऊपर हम फिर से मार्केट में तेजी देख पाएंगे, जो सीधा आपको 2320 से लेकर 2360 तक का लेवल दिखा देगा। धन्यवाद।